मैं हूँ आचार्य प्रदीप मेहता। ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सच्चे प्यार की हमदम की तलाश में कुंभ राशि वालों 2022 में नए साथी की प्राप्ति होने से साथी से प्रेम मिलने से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिनके चाहना ख्वाबों ख्यालों में रहती है वह हकीकत बनकर आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। साथ में हम बताएंगे कौन सी राशि वालों के साथ आपका प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है, बनने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, विवाह प्रेम विवाह योग के बारे में बताऊंगा। यह केवल सपना नहीं है किंतु हकीकत है। यदि विश्वास नहीं है तो आप मेरे हर वीडियो की हर भविष्यवाणी को देख सकते हैं जो मैंने की है और वह सारी सच भी हुई है। चाहे वह भूकंप को लेकर हो, कोविड-19 को लेकर हो, चक्रवात को लेकर हो या फिर शेयर बाजार को लेकर हो, यहाँ तक राजनीति को लेकर हो। इसलिए यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के मध्य में आपके जीवन को लेकर मैं बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ। तो जानते हैं कुंभ राशि लव लाइफ 2022। कुंभ राशि फल 2022 के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए यह नया साल ढेरों सारा प्यार और उत्साह लेकर आया है। नए साल का आगाज ही धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि जनवरी में प्रेम विलास और विवाह के कारक शुक्र सूर्य के साथ सुख स्थान में बैठकर बुद्धादित्य योग बना रहा है, जिसकी वजह से आप प्यार के मामले में लकी रहेंगे। आप जिन्हें चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें आसानी से पा सकेंगे। आपके प्रयास सफल रहेंगे क्योंकि आप में शारीरिक खूबसूरती के साथ दिल की भी खूबसूरत होती है। इसी के ही कारण आप अपने साथी का दिल जीतने में सफल रहेंगे। 2022 लव लाइफ के लिए बेहतर सिद्ध होगा। आपकी कुंडली देखने पर समझ आता है जो जातक अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, उन्हें इस साल में अपने पसंदीदा व्यक्ति का साथ मिलेगा। खासकर फरवरी से लेकर अप्रैल के समय में आप प्यार वाली फीलिंग पाने के लिए आप खुद को किसी के साथ एंगेज रखना चाहेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को भी जाहिर करने में सफल रहेंगे क्योंकि यह समय प्रेम के लिए उत्तम है। और जो अपने प्रेम को नए संबंध तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि प्रेम को विवाह में तब्दील करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें बड़ा मौका मिलेगा। हाँ, इस वर्ष में आप थोड़े कन्फ्यूजन में जरूर रहेंगे कि आपके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है, मगर महीने जैसे जैसे बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समस्याएं खत्म होती जाएगी। जुलाई आते आते आप प्रेम का एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। साल 2022 की दूसरी तिमाही का आखिरी चरण यानी कि जून के आसपास मंगल का गुरु की राशि में प्रवेश करने के कारण इस समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जिनके रिश्ते बनते बनते टूटते थे, विवाह की बात आखिर पर आने के बाद फिसल जाती थी, वह नव युवाओं की मंगनी शादी होगी। विवाह करने का अवसर मिलेगा क्योंकि विवाह का प्रबल योग बन रहा है। हालांकि 2022 के मध्य का समय प्रेम विवाह जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपके विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और जो शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं उन्हें भी पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनिग्रह 4 जून से बकरी हो गए। इसके ही कारण विवाह जीवन एवं प्रेम जीवन में गलत फहमियां पैदा होगी। आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या फिर किसी तीसरे की वजह से आपके पुराने संबंध भी टूट सकते हैं। जून के तुरंत बाद ही नवयुवाओं को जिंदगी का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस वक्त आप अपने प्रियतम के साथ साथी से यात्रा पर जाएंगे, महत्वपूर्ण लम्हों को बिताएंगे तो साथी की ओर से आपको बड़ा प्रस्ताव मिलेगा। यहाँ तक इनकी वजह से आपको कार्य एवं नौकरी से भी लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों, बोलो दिल थाम के बैठिए, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वह सुनकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। जी हाँ, यह वर्ष में आपके जीवन में मेष राशि, मिथुन, तुला और धनु राशि का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। उनके साथ आपके संबंध बन सकते हैं, विवाह हो सकता है, आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। फरवरी, अगस्त और सितंबर में आप अनजाने में ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आगे चलकर आप प्रेम कर बैठेंगे और वह कोई दूसरा नहीं, आपका कॉलेज स्कूल का पुराना साथी या ऑफिस का कोई सहयोगी हो सकता है और वह खास व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं प्रबल रूप से विकसित होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे ऐसे दुर्योग है जो जातक के प्रेम जीवन को, वैवाहिक जीवन को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप में पहले से ही प्रेम जीवन का सुख भोग रहे हैं, शादीशुदा है, उन्हें इस नए साल में संभल कर रहना होगा क्योंकि शनि की दृष्टि जब जब पाप ग्रहों पर पड़ेगी तब तब आपके अनैतिक संबंध बनेंगे। कलिक के साथ प्रणय
संबंध पनप सकते हैं। हाँ, मान के चल सकते हैं यह साल प्यार और रोमांच के लिहाज से आपको भरपूर लाभ प्रदान करेगा और वर्ष के अंत से पहले जीवन साथी को लेकर जो आपने सपने संजो कर रखे हैं वह सपने अवश्य ही सच होंगे, क्योंकि कुंडली में बन रहा प्रेम योग आपको नए साथी से मिलवाएगा। आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक देगा और उनके साथ जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव का आनंद कर सकेंगे, जिंदगी के लुप्त उठाते नजर आएंगे। इस कारण पूरे साल आप खुलकर खुशी और प्रेम से जिएंगे, साथी के साथ रिश्ते मजबूत बनाते जाएंगे। हम सदगुरु दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका जीवन सुख रहे। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।